हे व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में आपको रियलमी UI की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या ये बोल सकते हो कि वो अपने कस्टमर के साथ स्कैम कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप वीडियो में देखो, कुछ भी रिसेंट में नहीं है, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है, ना कुछ बैकअप में जा रहा है। एंड आप स्पीड देखो, नेटवर्क स्पीड, ये समझ रहे हो क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में अपलोड हो रहा है। सिंपली आप इसको बोल सकते हो डेटा की चोरी करी जा रही है, कुछ ना कुछ आपका डेटा ये लीक कर रहा है। ठीक है, देन आप बोलो कि भाई कुछ ना कुछ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये डेली हो रहा है एंड ये जब से हो रहा है, जब से मैंने Realme UI 3.0 पे स्टेबल वाले वर्जन पे अपडेट करा हुआ है। ठीक, देन आप बोलोगे रिस्टार्ट कर भाई। रिस्टार्ट करने के बाद भी देखो, मैं डेटा ऑन जैसे ही करूंगा फिर से शुरू हो जाएगा। हमेशा ही वो ऐसे ही डेटा अपलोड होता है, डाउनलोड हो रहा है। सिंपली बोल सकते हो कि डेटा की चोरी कर रहे हैं, आपकी फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं या कुछ भी करा जा रहा है UI में। ठीक है, देख लो, सिंपली डेटा ऑन करूंगा, तुरंत ही स्पीड देखना, एंड ना ही कुछ अपलोड हो रहा है ना कुछ डाउनलोड। एंड भाई अगर हो भी रहा है तो दिखाओ, वैसे हो तो कुछ भी नहीं रहा है। रीसेंट एप्स में कुछ भी नहीं ऐसे, सारी चीज़ें का मैंने फ्रीज भी कर दिया, देन ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे ऑन करा देख सकते हो स्पीड। एंड ये चीज़ मतलब जिस दिन से मैंने अपडेट करी, इसमें मैंने नेट यूज़ नहीं करता इस वाले सिम का, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। बट भाई कल क्या परसों वही 2200 इसको मैंने देखा कि भाई इसका 1.5 GB ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा यार इसमें तो मैंने कुछ चलाया ही नहीं, तो कैसे ख़त्म हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे मैं BGMI खेल रहा था, भाई पिंग ही नहीं, एकदम ऊपर देख रहा हूँ 500-600 KBPS। मैंने कहा यार ये क्या गेम, मुझे लगा गेम का इशू होगा। लेकिन आज जब मैंने ऐसी स्मार्टफोन अपना देखा एंड फिर रिस्टार्ट भी किया, नेक्स्ट डे भी मैंने कहा हो सकता है कुछ, भाई नेक्स्ट डे भी करा एंड मैंने कमेंट्री भी डाला ये चीज़। ठीक है, तो भाई सिंपली ये भाई स्पीड ही बताया पड़ा है। एंड आप देख सकते हो कि ये लगभग 200 MB खा गया ऐसे ही करके, देख सकते हो 201 MB। ठीक है, सोच लो 201 MB इसे तुरंत ही खा गया, 1.5 GB तो ऐसे ही चल जाएगा। तो सिंपली यार Realme से मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या है, सीधा सीधा स्कैम करा जा रहा है, डेटा की चोरी है। एंड भाई मैं ऐसे कोई एंड्रॉयड 11 में नहीं हूँ, एंड्रॉयड 12 पे हूँ। ठीक है, तो एंड्रॉयड 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, वो माइक वाली सिक्योरिटी, अगर वो माइक एक्सेस कर रहा है या कैमरा एक्सेस कर रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो भाई वो माइक का सिंबल दिखे ना। मैं एंड्रॉयड 12 पे हूँ, मजाक में थोड़ी हूँ। एंड्रॉयड 12 वाले बोलते हैं कि भाई हमने iOS की सारी सिक्योरिटीज डाल दी है। कहाँ है भाई सिक्योरिटी, मुझे तो कहीं अता पता भी नजर नहीं आ रहा है। एंड सिंपली डेटा जा रहा है, बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये लीक कर रहा है, मेरे जितना समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही हो रहा है। एंड आप भी क्या इस चीज़ को नोटिस किए हैं, किए हैं तो कमेंट कर दीजिए। एंड आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, कम्युनिटी पे ये वीडियो शेयर करो, इसका लिंक कोई भी पोस्ट डाल के, एंड पूछो भाई ये Realme से ये क्या है। बिकॉज आई एम ए फैन ऑफ Realme, क्योंकि मैं Realme 1 से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, एंड जितने भी इस बीच मैंने स्मार्टफोन यूज़ करे सभी Realme के थे। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।